मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज। अपने चैनल गेम ऑफ रिटर्न्स में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत दोस्तों ने मुझे कहा कि एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी मीटर मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड पर 2 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप चाहें तो उसके मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका एक सेपरेट इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आप एक बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है, आराम से मिल जाता है। और ये फाइबर का ही है, ठीक है, मजबूती है, अच्छी मजबूत है, ठीक है। ये फाइबर का है, इसमें आपको लगा रहता है, ये पीछे से कट निकल देता है। अगर स्विच आपको लगाना है तो आप ऐसे ही लगा दीजिए, ठीक है। और 5-inch सॉकेट डालना है तो आप इसको काट दीजिए, मैंने काट लिया है, ठीक है, ताकि वीडियो छोटा हो। वीडियो छोटा होने के चलते मैं इसको काट लिया हूँ और होल भी यहाँ कर लिया हूँ इंडिकेटर लगाने के लिए। यहाँ पर होल कर दिया हूँ तार इन करने के लिए। और रहा बात इंडिकेटर का, तो मैं ये इंडिकेटर डालूँगा। मैं आपको इस इंडिकेटर बनाने के बारे में बता चुका हूँ पहले, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। ये LED हो गया और ये कलर कोड आप देख रहे हैं, ब्राउन ब्लैक येलो, यानी 100 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप इसको लगा देंगे आराम से, 220 वोल्ट से LED जल जाएगी, ठीक है। स्लीव है, स्लीव से बना दीजिए ताकि शॉर्ट ना हो, बस हो गया, ठीक है। और सबसे पहले आप क्या करेंगे उसके लिए, आप कुछ स्विच की ज़रूरत होगी, 3 स्विच मैं लाऊँगा और ये 305 pin सॉकेट, ठीक है। और ये पावर प्लग हो गया। और उसके लिए तार आप अपने हिसाब से जितने लंबे चाहिए आप ले लें, ठीक है। और अगर आपको आयरन करना है तो 1.5 से 2 mm तार ले लें, ठीक है, काफ़ी होता है उतना, ठीक है। और या फिर आप चाहें तो मार्केट से आप AC लीड ले सकते हैं, ठीक है, बनी बनाई AC लीड ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी लगा सकते हैं, ये लगा लेंगे अपना, वो लगा लेंगे, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा और आप अच्छे से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 5-pin सॉकेट को और स्विच को कस लेता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। अच्छे से कस लेने के बाद, ठीक है, देखिए ये सब तार का टुकड़ा मैं ऑलरेडी पहले से काट चुका हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे वीडियो में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ ये, देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे L लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे N, मतलब यहाँ पे होगी सप्लाई दिया जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल दिया जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल यानी नेगेटिव, जो न्यूट्रल वायर है उसको यहाँ पे और जो फेज है उसको यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूट्रल यहाँ यहाँ यहाँ, ये तीनों में न्यूट्रल होगा मेरा, ठीक है, इस तीनों में न्यूट्रल, ठीक है। तो ब्लैक वायर से मैं न्यूट्रल को कनेक्ट कर देता हूँ, 2 ब्लैक वायर ले लेंगे मैं। उसके बाद आप क्या करें, उसको प्लायर की सहायता से ट्विस्ट कर दें अच्छे से, ठीक है। और अच्छे से टाइट करें सभी को ताकि लूज ना रहे। प्लायर से ट्विस्ट कर लें अच्छे से ताकि ये पतला और सॉलिड हो जाए, ठीक है। यहाँ डाल दें और दूसरे को यहाँ, सारे न्यूट्रल इस तरह के। और ओपन है बोर्ड तो राइट साइड न्यूट्रल होगा, ठीक है, सीधा करने पे लेफ्ट साइड चला जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। तो ये मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऐसे ही होता है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें सभी इसमें नेगेटिव देंगे तो भी AC डिवाइस है, काम करेगा, बट ऐसे लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, हो गया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, तार की सहायता से सारे स्विच से प्रत्येक स्विच से एक एक सप्लाई में दे दूँगा, ठीक है। आपको क्या करना, तार को छील के थोड़ा सा से बेंड कर लें ताकि आसानी से इसको अच्छे से कसा जाए और तार ज़्यादा बाहर ना निकले। एक स्विच में लगा लें पहले, अच्छे से देखें, सावधानी से वीडियो अच्छे से समझ में आएगा,
ठीक है, एकदम सिंपल वायरिंग है, सिंपल सर्किट है कोई, बस हो गया। प्रत्येक को अब ऐसे कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करें, जो भी वायर ठीक है, अब इसे निकालना चाहते हैं इनपुट देने के लिए, ठीक है। दो वायर जो आते हैं ऊपर से सप्लाई से, जो दो वायर आते हैं, एक न्यूट्रल हो गया, एक फेज हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रल वाले को दे दें कहीं पे, मैं यहीं पे दे देता हूँ, ब्लैक के पास न्यूट्रल। यहाँ भी दे सकते हैं आप, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझिए, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं, जो भी है आप अच्छे से, मैं पूरे कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ये सब वीडियो थोड़े लंबे होते हैं तो उबे नहीं, अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए व्यूअर हैं तो। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। ये नेगेटिव हो गया, और ये जो फेज के लिए है, पॉजिटिव के लिए आपको यहाँ 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 तीनों आप कर सकते हैं, एक लंबा तार छील के ऐसे डाल के तीनों करके दे सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे मतलब इसके जैसा इस तरह से यहाँ, इस तरह से यहाँ, उसी तरह जोड़ सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है। तो मैं लंबा छील के ही दे देता हूँ, ठीक है। आप देख लें, जैसे इतना लंबा मुझे छीलना है, मैं दो पार्ट में, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्या कीजिए आप, ऐसे यहाँ से छील के इसको कर लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे आप यहाँ से अंडर लाइए, ठीक है, यहाँ से अंदर लाइए, ठीक है। अब इस बीच में आप ये यहाँ आएगा, इस बीच में आप फिर से यहाँ छील लीजिए एक, ठीक है। उसको यहाँ से निकाल दीजिए, ऐसे और अच्छा हो जाएगा, मतलब ओपन वायर से ज़्यादा अच्छा ऐसे हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर लें ताकि रुकावट ना करे। ठीक है, ऐसे करें, ये जो ये इसको आप फैला लें ऐसे, ठीक है। थोड़े से ऐसे बाहर की तरफ आप खींचेंगे तो वो फैल जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर से कसते हैं, मतलब ऐसा ना करें कि कवर पे आपको वो पॉइंट मिले, जहाँ पे आपने छीला है वहाँ पे पॉइंट मिले, ठीक है। अच्छे से टाइट कर लें, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह छील लें, मैंने यहाँ छीलने के बाद आप इसको एक पर और यहाँ से काटें, ठीक है। काटने के बाद इसको आप यहाँ से ऐसे ऐसे छील सकते हैं, चाहे आप जिस चीज़ से छीलें, ब्लेड कटर या जिस को यहाँ पे घसका लें ऐसे। गौर से देखिए, देखिए छीला हुआ पॉइंट यहाँ पे आ रहा है अंदर, ठीक है। गौर से आप देखिए छीला हुआ पॉइंट, देखिए उसके बाद आप बस स्क्रू लगा लें, ठीक है। और ये इंड है, तो लास्ट इंड है, आप इसको ऐसे नॉर्मली छील सकते हैं, ठीक है। आप लास्ट के साथ ऐसे कर दें इसको, ठीक है। इसको कसने से पहले आप इंडिकेटर का भी कनेक्शन कर लें। ये इंडिकेटर के लिए मैंने जो बता रखा है आपको, ये हुआ, देखिए इंडिकेटर का एक आप फेज में दे सकते हैं, यहाँ पे दे दीजिए,
क्योंकि इंडिकेटर डायरेक्ट जलेगा, इसका कोई स्विच से कनेक्शन नहीं रहेगा, लाइन्स में दे दिया जाएगा बोर्ड में, इंडिकेटर जलने लगेगा। ठीक है, हो गया इसको। अच्छे से टाइट कर ले, हो गया। देखिए ऊपर से जो सप्लाई आ रही है ये है, फिर जो आ रहा है इस स्विच में गया, इस स्विच में हो गया। जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा करंट यहाँ पे आ चुका रहेगा, अगर ठीक है, जैसे करंट यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ आ चुका रहेगा 3 बजे। जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट इसमें आएगा, इससे होते हुए यहाँ आ जाएगा, फिर इसको ऑन करेंगे इससे होते हुए यहाँ, इसको ऑन करेंगे इससे होते हुए यहाँ, और जो न्यूट्रल है ये तीनों में जुड़ चुका है। ठीक है, अब इसको मैं इंडिकेटर को अभी न्यूट्रल किसी पे जोड़ दूंगा, यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये दे देता हूँ, ठीक है, इसको निकाल के इसके साथ ही। ठीक है, थोड़ा सा इसको, ये इंडिकेटर लगाना आपके लिए अच्छे हो सकता है, सस्ता और अच्छा भी है, पहले से अलग है। ठीक है, अब वो इंडिकेटर लगाने के लिए फिर आपको जगह नहीं मिलेगा इस बोर्ड में, 3 स्विच 3 5 3 5 पिन सॉकेट आपने डाल दिया है, तो ये इंडिकेटर ज़्यादा अच्छा है और एक्सटेंशन कॉर्ड के लिए ये ही बेटर है। हो गया, ठीक है, अच्छे से मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि न्यूट्रल जो भी आएगा यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब ओपन बोर्ड है तो राइट साइड न्यूट्रल आ गया। ठीक है, न्यूट्रल। अब देखिए उसके बाद फेज जो आएगा उस चीज़ के ऊपर वाले में या नीचे वाले किसी एक में दे दिया, मैंने सारे में ऊपर वाले में दे दिया। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को ऑन करूँगा तो करंट इसके थ्रू यहाँ आ जाएगा, इसको ऑन करूँगा इसके थ्रू यहाँ, इसको ऑन करूँगा इसके थ्रू यहाँ। ठीक है, सारे का अलग अलग स्विच हो गया। और रहा इंडिकेटर का, इंडिकेटर का कनेक्शन मैंने एक न्यूट्रल में कर दिया और दूसरा जो फेज ऊपर सारा है उसमें कर दिया। इससे क्या होगा, जैसे मैं इसमें सप्लाई दूंगा ये जलने लगेगा। ठीक है, और जलने लगेगा जब स्विच मैं ऑन करूंगा तब ये सबको मिलने लगेगा अलग अलग स्विच। ठीक है, तो ये मेरा कम्प्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको, ठीक है, आप ये तार डाल सकते हैं, अगर आप ये तार डालेंगे, ये मार्केट में जो एसी लीड मिलती है, ठीक है, ये हो जाएगा कुछ भी आयरन वायरन करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आयरन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ये थोड़ा सा लो क्वालिटी हो जाए इसके तुलना में। ठीक है, अगर इसका और हैवी आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, तो इसको लेने के बाद देखिए इसमें भी दो है, एक, ठीक है, एक आएगा तो एक वायर को आप यहाँ देंगे इसमें, इसमें जो मैंने ऊपर दिया तीनों में। ठीक है, आप यहाँ से काट के यहाँ दे सकते हैं डायरेक्ट, जाके तीनों में मिल जाए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दे दीजिए, जाए यहाँ पे, यहाँ पे बात वही है। ठीक है ना, मैं ये तार लगाता हूँ। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, मैंने जो होल कर रखा है इसमें, इसके थ्रू यहाँ से अंडर डाल दीजिए। ठीक है, इसके थ्रू आप अंडर डाल सकते हैं। थोड़ा सा वायर अंदर छोड़ लें। ठीक है, अब आपकी सभी इतना आ जाए बाहर, बस हो गया। ये गांठ भी लगा सकते हैं अंदर आप, ताकि तार बाहर ना आए। ठीक है, ठीक है, रेड वाले मुझे फेज देना है और ये न्यूट्रल। देखिए गौर से, इसमें भी बनाया होता है, ठीक है, ये सब इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे बना होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एल है, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई देना है, लाइन देना है, ठीक है, और यहाँ पे एन है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एन है। ठीक है, तो मैं पहले इसको खोलता हूँ। इसको खोल लूँगा, इसको मैं ढीला कर लूँगा, इसको, ठीक है, इसको भी आप ढीला कर लें। ठीक है, ये लगाना आप जानते होंगे, इसलिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, खोल। ठीक है, अब ये इसको, ये जो दिया रहता है इसको मैंने लगा दिया। उसके बाद देखिए गौर से, ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर एल है, इधर एल लिखा हुआ है, ठीक है, एल लिखा हुआ है इधर, तो इस एल में यानी इधर मैं दे देता हूँ रेड को। रेड मैंने इसमें दे दिया, अच्छे से टाइट कर लें। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक, ठीक है, ब्लैक को मैं न्यूट्रल में दे देता हूँ।
न्यूट्रल को मैं इधर लगा देता हूँ, इसको भी मैं अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो है मैंने एक तरफ खोला था, एक तरफ हल्का सा रहने दिया था। ये जो ये होता है इसको कस देने से वायर खींचने से टूटता नहीं है और वायर खींचने में रुक भी जाता है, ठीक है। तो बॉडी से पहले इसको टाइट कर लिया जाता है ताकि वायर बाहर की ओर अगर खींचा भी जा रहा है तो खींचाए नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो कनेक्शन होता है, ठीक है, अगर आप चाहें इसका कनेक्शन करना तो ग्रीन वायर से, एक ग्रीन वायर से यहाँ कनेक्शन ला के, वो तार ला के, ठीक, फिर इधर से इन करा के आप यहाँ दे सकते हैं। गौर से देखिए, यहाँ 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 यहाँ, जैसे मैंने ये इसको तीनों को एक ही में किया, उसी तरह आप इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करके और इसमें दे सकते हैं, किसी एक में दे सकते हैं, मतलब इसके लिए, ठीक है। वो होता है ना, जब आप कोई ऐसा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसकी बॉडी मेटल की होती है तो उसके बॉडी से कनेक्शन होता है इस टर्मिनल का, ठीक है। और इसके लिए आपको एक अलग से अर्थिंग कराना होता है, जिससे क्या होता है कि अगर बॉडी में सप्लाई का करंट आता है तो वो उसे शॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो वो आप लगा सकते हैं, अगर आपने डबल अर्थिंग कराया है तो आप लगा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। यहाँ से लेके तीनों में जोड़ देना आपको, ठीक है। ग्रीन वायर दे दें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो ग्रीन वायर के लिए ही यूज होता है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से बैठा लूँगा, ठीक है, मैं इसको कस लेता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन देखने के लिए, ठीक है। वॉच टाइम ज़्यादा होंगे तो यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो मैं कसने से पहले, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। कसने के लिए भी कंपनी स्क्रू देती है इस बॉक्स के साथ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे मैंने लगाया, ठीक है, जैसे ये चीज़ ऑन ही है यहाँ का, ठीक है, मैंने ऑन किया, जैसे ही देखिए यहाँ पे, जैसे स्विच मैं ऑन किया इंडिकेटर जल गया, देखिए ये जो LED इंडिकेटर अच्छा है, ठीक है, कम जगह में अच्छा हो गया, कम लागत में कम जगह में हो गया। तो जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पे आ गया सप्लाई, ठीक है। अब देखिए ये सब स्विच अभी ऑफ हो गया, ठीक है, ये ऑफ रहेगा तो भी चलेगा, जैसे सप्लाई यहाँ आएगा। एक काम करें आप, ठीक है, इसको साँट दें ताकि क्या होगा कभी अंदर ना जाए, ठीक है। तो मैं फेविक्विक की सहायता से इसको लगाने के बाद हल्का सा फेविक्विक, ताकि फ्यूचर में कभी चेंज करने में दिक्कत ना हो, हल्का सा फेविक्विक आप लगा दें उस पर, ठीक है, उससे आपको ये अंदर ना जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करता हूँ, मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑफ है फिर भी जल रहा है, ये ऑफ है तो भी जल रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट किया गया, ठीक है। अब मैंने ऑन किया तो इसमें मिल जाएगा, इसको ऑन किया इसको मिल जाएगा, इसको ऑन किया इसको मिल जाएगा, ठीक है। मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जल रहा है, इसको ऑफ कर दिया, ऑफ ऑन, ठीक है। उसी तरह इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, ऑफ ऑन, ठीक है, उसी तरह इसमें कर देता हूँ ऑफ ऑन, ठीक है। तो अब मैं वीडियो कस लूँगा, आप बॉक्स को कस लूँगा, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उतने बड़े तार लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं या फिर जगह जगह टेपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसको मैं आप इसको कस लेता हूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।